वेल नोन है पब्लिकली कि मैं कोई प्रशांत भूषण जी को कोई गुरु गुरु नहीं मानता हूँ। एक समय होता था जब कॉलेज डेज में हमारे वो गुरु होते थे और 2010-11 तक डेफिनेटली उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में देश के लिए, तो मैंने भी उनको बहुत आइडियलाइज किया है। लेकिन उसके बाद से थिंग्स हैव चेंज्ड एंड आई एम नो फैन ऑफ मिस्टर भूषण। हैविंग सेड दिस दोस्तों, ये जो रफाल है, रफाल इशू है, जजमेंट आ गई है, क्रिप्टिक सी जजमेंट है, छोटी सी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है क्लीन चिट, सब सही है। और इस इशू को मैंने भी फॉलो किया है, ऑब्जर्व किया है कोर्ट में। तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि देखिए दोस्तों, ये रफाल जो है ये स्कैम तो है, ठीक है जी, ये स्कैम तो है और बहुत बड़ा स्कैम है। और इस इशू पे मैं प्रशांत भूषण जी का कोई फ़ैन नहीं हूँ, आई डोंट लाइक हिम वेरी मच, क्योंकि उनकी आदत है, काफ़ी जगह उन्होंने गलतियाँ करी हैं और ही इज़ मोस्टली बार्क्ड एट द रॉन्ग ट्री। लेकिन ये रफाल स्कैम पे जो है वो 100% सही है और मैं उनको 1000% सपोर्ट करता हूँ। वो सही है, इज़ राइट, ये आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। ये वर्डिक्ट आया है सुप्रीम कोर्ट का, उस पर मैं जाऊँगा नहीं, ड्वेल ज़्यादा नहीं करूँगा, जो आया है वो आया है। सुप्रीम कोर्ट सही होता है, गलत होता है, अनफॉर्चुनेटली कभी कभी इट गोज़ बियॉन्ड जस्ट बीइंग रॉन्ग और राइट, इतना ही कहूँगा, बाकी समझदार को इशारा काफ़ी है। प्रशांत भूषण जी और यशवंत सिन्हा जी और अरुण शौरी जी ने एक प्रेस रिलीज करी है दोस्तों, जो आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। और ये आपको, आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं इस प्रेस रिलीज से पूरी तरीके से सहमत हूँ। इन्होंने जो पब्लिकली डिसअपॉइंटमेंट प्रेस रिलीज के द्वारा जाहिर करी है, मैं भी इसको, मैं इसके एक एक लफ्ज़ से सहमत हूँ। शेयर करना चाहता हूँ थोड़ा सा आप लोगों के साथ। प्रेस नोट ऑन रफाल जजमेंट इशूड बाय मिस्टर यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी एंड प्रशांत भूषण, पेटिशनर्स इन द केस। शॉकिंग एंड डिसअपॉइंटिंग जजमेंट 14 दिसंबर 2018। इसमें दोस्तों प्रेस रिलीज में पढ़ता हूँ, फिर मैं आगे अपने पोस्ट पे, वॉल पे लगा भी दूंगा, इसको शेयर भी कर दूंगा। 3 पेज की प्रेस रिलीज है, पढ़ देता हूँ, सुनिएगा आप लोग। इसके एक एक वर्ड से मैं सहमत हूँ। द जजमेंट ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट डिसमिसिंग आर पिटिशन सीकिंग एन इंडिपेंडेंट कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन इन टू द रफाल डील इज एज शॉकिंग एज इट इज डिसअपॉइंटिंग। वी हैड गॉन टू द कोर्ट आफ्टर मेकिंग अ डिटेल्ड कंप्लेंट टू द CBI पॉइंटिंग आउट द फॉलोइंग। अब सुनिएगा दोस्तों, सब फैक्ट्स हैं, सब सही है। The Prime Minister signed an agreement for 36 Rafale jets on 10th of April 2015 without any such requirement of 36 jets given by the Air Force headquarters and without the approval of the Defence Acquisition Council DAC, which are the mandated first steps for any defence procurement. ये fact है दोस्तों, ये fact है, एक procedure है कैसे defence की deals में procurement होती है। ये जो ये बात कर रहे हैं, ये DAC की, ये सही बात कर रहे हैं। The Air Force had in fact been asking for at least 126 fighter jets which had been approved by the DAC. करेक्ट, ये भी फैक्ट है। और हिंदुस्तान की एयरफोर्स को 126 एयरक्राफ्ट की ज़रूरत थी, कमी थी, जेट एयरक्राफ्ट की ज़रूरत थी। Tenders had been issued, 6 companies had applied for it, 2 were shortlisted and finally Dassault was selected as the lowest tender. The tender was on the basis that 126 fighters would be procured, out of which only 18 would be bought in a ready to fly condition and the remaining would be manufactured in India by HAL, Hindustan Aeronautics Limited, will transfer the transfer of technology by HAL from Dassault। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, 18 रेडी टू फ्लाई एयरक्राफ्ट खरीदे जा रहे थे और बाकी एयरक्राफ्ट जो है वे ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी
HAL बनाती, ट्रांसफर टेक्नोलॉजी होती कि कैसे ये क्या टेक्नोलॉजी है इनको बनाने की फ्रॉम डसॉल्ट टू HAL। तो HAL जो इंडियन कंपनी है जो तेजस वगैरह हवाई जहाज बना चुकी है वो बनाती और हम लोग फिर सक्षम हो जाते आगे जाके कि ऐसे 100 नहीं 200 नहीं हम 5000 एयरक्राफ्ट बना सकते थे क्योंकि ट्रांसफ़र की टेक्नोलॉजी जो है वो हमें मिल जाती, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो जाता इसमें। बहुत बड़ी चीज़ थी ये थी ओरिजिनल डील दोस्तों। By 25th March, the tender negotiations had virtually been completed with Dassault and the CEO of Dassault in the presence of top officials of IEF and HAL had said that the contract negotiations were 95% complete and that the deal would be inked soon. ठीक है दोस्तों, सब complete हो गया, 95% deal is done. There was nothing to suggest that the deal had run into rough weather. However, on 10th April, दोस्तों 10th April माने सिर्फ 25 मार्च को डसॉल्ट के चेयरमैन वगैरह CEO सब बाहर आते हैं, कहते हैं सब डन है, वी आर मूविंग फॉरवर्ड, बस साइन होने हैं, 95% डील डन है। और इसके ठीक 15 दिन बाद 10 April को 2015, however, on 10th April, the Prime Minister, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी unilaterally signed a 36 aircraft deal with the French president, all to be purchased in a ready to fly condition. Thus 126 reduced to 36. 126 aircraft lene the, wo ab 36 mein reduce ho gaye dosto. Transfer of technology and make in India was knocked out and a clause of offset partners was brought in. एग्जैक्टली एट दिस टाइम अनिल अंबानी, अब ये सुनिए, अनिल अंबानी, ये मुकेश अंबानी की बात नहीं हो रही, अनिल अंबानी की बात हो रही है। डिफेमेशन सूट वो स्लैप करते रहते सब पे, एक मेरे पे भी लगा दें, कोई दिक्कत नहीं है। अनिल अंबानी इज अ फेल्ड बिजनेसमैन। अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी के बीच में जमीन और आसमान का फर्क है। मुकेश अंबानी मिट्टी छूता है तो सोना बन जाती है, 100 बिलियन का टर्नओवर है मुकेश अंबानी का साल का। अनिल अंबानी इज अ फेल्ड बिजनेसमैन, जो बिजनेस छूते हैं वो फेल हो जाता है, ठीक है, लेट्स बी वेरी क्लियर। उनको एक डिफेमेशन सूट में इन्वाइट कर रहा हूँ, डाल दें मेरे पे, फर्क नहीं पड़ता है, ही विल लूज, ही नोज इट। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यूनिलैटरली साइन 36 एयरक्राफ्ट डील विद दी फ्रेंच प्रेजिडेंट ऑल टू बी, अच्छा आप देखिए, एग्जैक्टली एट दिस टाइम अनिल अंबानी रजिस्टर्ड अ न्यू कंपनी, ठीक है दोस्तों, रिलायंस डिफेंस एंड डसॉल्ट एंटर्ड इन टू पार्टनरशिप विद दिस कंपनी रिलायंस डिफेंस विच वॉज सेट टू गेट बल्क ऑफ द ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम दिस डील। द देन फ्रेंच प्रेजिडेंट होलैंडे ऑल्सो कन्फर्म्ड लेटर इन एन इंटरव्यू दैट द चॉइस ऑफ रिलायंस डिफेंस अ ब्रांड न्यू कंपनी विथ नो क्रेडिबिलिटी और एक्सपीरियंस इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग वॉज ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट एंड द फ्रेंच हैड नथिंग टू डू विथ इट। अब देखिए दोस्तों, ऐसा है, अनिल अंबानी ने जिंदगी में एक पेपर का हवाई जहाज नहीं बनाया है, ठीक है, इनकी कंपनी ये रिलायंस डिफेंस उसी समय सेट हुई है जब 10 अप्रैल के बाद प्रधानमंत्री डील कर रहा है, तो कंपनी अभी बनी ताकि इस डील में कंपनी को, और फिर जो है डील हो गई, HAL कहाँ गया, गायब हो गया, जिसके साथ ओरिजिनल डील होनी थी, और ये 36 एयरक्राफ्ट की डील हो गई डसॉल्ट और रिलायंस के अनिल अंबानी के बीच में, और अनिल अंबानी वो फेल्ड बिजनेसमैन है जो बिजनेस छूते हैं वो फेल हो जाता है। जिंदगी में उन्होंने पेपर का हवाई जहाज नहीं बनाया, वो ये 36 हवाई जहाज को लेकर वो उनके साथ पूरी उनकी डील हो रही है, ठीक है, मुकेश अंबानी नहीं है ये, मुकेश अंबानी डील करते मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि वो ही इज़ एन इंटेलिजेंट बिजनेसमैन, ही नोज हाउ टू रन द बिजनेस। अनिल अंबानी इज एन एब्सोल्यूट अटर फेलियर ऑफ अ बिजनेसमैन, जिनको ये डील मिल जाती है, ये हजारों करोड़ की डील। चलिए, और हवाई एक्सपीरियंस क्या है, जिंदगी में पेपर का हवाई जहाज नहीं बनाया है अनिल अंबानी ने। अच्छा चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। It therefore transpired that the benchmark price of 36 Rafale aircraft was fixed by three senior officials in the price negotiating committee at 5.2 billion euros. ठीक है दोस्तों, पहले सुनिए ये बात। It thereafter transpired that the benchmark price for 36 Rafale aircraft was fixed by three senior officials in the price negotiation committee. एक price negotiation committee होती है दोस्तों। At $5.2 billion का ये डील हो रही है। However, the price was unilaterally increased by the cabinet committee on security headed by the प्रधानमंत्री।
बाय द प्रधान सेवक हमारे मोदी जी टू 8.2 बिलियन यूरोस। तो जो एक प्राइस नेगोशिएशन कमिटी बैठती है जो ये डील को 5.2 बिलियन डॉलर्स पे कर रही थी, उसको ओवररूल करके प्रधानमंत्री जी की